मार्च से लेकर मई तक पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम की सीट से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद अब वो भवानीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव लड़ेंगी और इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के प्रियंका टिब्रेवाल से है। आज उपचुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है, तो चलिए देखते हैं आखिर आखिरी दिन के लिए दोनों पार्टियों ने क्या क्या तैयारी की हुई है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी के पूर्व नेता सुवेंदु अधिकारी से अपने ही घर नंदीग्राम की विधानसभा सीट पर हार गई थी और अब 30 सितंबर को बंगाल के भवानीपुर में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। नंदीग्राम के बाद ममता बनर्जी अब भवानीपुर में अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। उनसे मुकाबला करने के लिए बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल इस चुनाव में खड़ी हैं। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों के मुताबिक भवानीपुर में 20% आबादी मुसलमानों की है और कुल 2,06,389 वोटर्स हैं। बीजेपी ने इतवार को कहा था कि वो आज भवानीपुर के 8 नगर समुदाय में आएंगे और लोगों के बीच आकर प्रचार करेंगे। ये प्रचार दो भागों में होगा। पहला भाग सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक चलेगा और फिर दोपहर के खाने का समय होगा और इसके बाद दूसरा भाग का प्रचार 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा, क्योंकि 5 बजे के बाद प्रचार करने की अनुमति नहीं है। बीजेपी के अनुसार पार्टी के 80 नेता प्रचार के लिए कई जगहों पर जाएंगे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकान मजुमदार और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष भी सुबह जनता से बात करेंगे और वहीं टीएमसी ने भी अपने कार्यकर्ता व वरिष्ठ नेताओं को प्रचार करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए कह दिया है। ममता बनर्जी के भतीजे व पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी का कहना है कि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से बड़ी बढ़त के साथ जीत हासिल करेंगी और उन्होंने ये भी दावा किया है कि ममता बनर्जी 1 लाख से अधिक वोट से जीतेंगी। टीएमसी की तरफ से खुद ममता बनर्जी भी आज यहां रैली करेंगी। अब देखना ये होगा कि क्या ममता बनर्जी बड़ी मात्रा में लोगों के वोट हासिल कर पाएंगी या फिर नंदीग्राम की तरह उन्हें यहां पर भी हार के दर्शन करने पड़ेंगे।